नमस्कार, गोड्डा झारखंड न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड से यूपी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से जुड़ने वाली सड़कें होगी विकसित, पड़ोसी राज्यों से बनेगा बेहतर सड़क संपर्क। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने झारखंड से यूपी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से जुड़ने वाली सड़कों को विकसित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे प्राथमिकता के तहत इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के अधिकारियों से बात करें। झारखंड में जल्द लागू होंगे 4 लेबर कोड, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी मिलेगी ESIC की सुविधा। जल्द ही झारखंड में श्रमिकों के कल्याण और सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों को अमल में लाने के लिए 4 लेबर कोड लागू किए जाएंगे। नए कानून के लागू होने के बाद राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी ESIC की सुविधा मिलने लगेगी। नए कानून में श्रमिक हित में कई अन्य सुविधाओं का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग ने नए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। गौरतलब है कि देश में अब तक झारखंड सहित 8 राज्यों ने इस कानून को लागू करने पर सहमति जताई है। 4 नए लेबर कोड में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और वेज कोड शामिल हैं। विभाग ने इनमें से 3 ड्राफ्ट तैयार कर लिए हैं, साथ ही केंद्र श्रम सचिव को इसकी जानकारी भी दे दी है। सरना कोड लागू करने की मांग तेज, झारखंड समेत 5 राज्यों में आज चक्का जाम। केंद्र सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और आदिवासी संघल अभियान ने केंद्र सरकार से सरना कोड लागू करने की मांग की है। इस लेकर आज रविवार 31 जनवरी को रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। इसकी पूर्व संध्या पर अल्बर्ट एक्का चौक पर मशाल जुलूस निकाला गया। फूलचंद तिर्की ने कहा कि आदिवासी वर्षों से अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह हर हाल में 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड चाहते हैं, इसलिए आज 31 जनवरी को 5 राज्यों झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। कांग्रेस ने गोड्डा में निकाली ट्रैक्टर रैली, कृषि मंत्री भी शामिल हुए। देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की अगुवाई में रविवार को गोड्डा के कारगिल चौक से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी भी शामिल हुए। रैली में शामिल नेताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए तुरंत नए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि देश के अन्नदाता बीते 2 माह से अधिक समय से देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। भारत सरकार उनकी आवाज़ की अनदेखी कर रही है। देश में 3 काला कानून को वापस लेने की मांग जायज है। 3 कानूनों से किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। यह किसानों के हक अधिकार पर कॉरपोरेट घरानों को हमला करने का अधिकार दे रहा है। किसान विरोध नीतियों को लेकर पूरा देश अब आंदोलनरत हो रहा है। ऐसे में सबका दायित्व बनता है कि इसमें सहयोग करें। झारखंड में सीटेट परीक्षा शुरू हो गई है। सुबह से ही सड़कों पर परीक्षार्थी की लगी रही भीड़। सीटेट की परीक्षा रांची के 39 केंद्रों में शुरू हो चुकी है। सुबह 6:30 बजे से ही परीक्षार्थियों का केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह 7 बजे के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश कराया गया। सभी केंद्रों में परीक्षार्थियों की थर्मल स्कैनिंग की गई, इसके बाद प्रवेश कराया गया। परीक्षार्थियों की फिजिकल जांच नहीं की गई। परीक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की व्यवस्था की गई है। एक कक्षा में 12 विद्यार्थी को ही बैठाया गया है। पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे शुरू हुई और 12 बजे खत्म हुई। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू हुई और 4:30 बजे खत्म हुई। रांची में करीब 40,000 और झारखंड में करीब 1,00,000 परीक्षार्थी इस बार सीटेट के एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। झारखंड के बोकारो जनरल अस्पताल में कोरोना टीकाकरण शुरू, 1,000 से अधिक कर्मियों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। झारखंड के बोकारो के एकमात्र कोविड अस्पताल बोकारो जनरल अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कोरोना टीकाकरण की शुरुआत शनिवार को BASL के निदेशक प्रभारी अमरेंद्र प्रकाश व अधिशासी निदेशक डॉक्टर AK सिंह की उपस्थिति में की गई। इस दौरान बोकारो जनरल अस्पताल के अनिवार्य चिकित्सक एवं कर्मी उपस्थित थे। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 18-20 जनवरी को कंप्यूटर आधारित ली गई थी।
पर्षद ने इस परीक्षा के मॉडल उत्तर ईमेल के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को भेज दिए थे। उन पर आपत्तियां लेकर समीक्षा के बाद संशोधित मॉडल उत्तर पर्षद की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। झारखंड के रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। 2 से गया हावड़ा और 3 से मालदा पटना एक्सप्रेस चलेगी। गया हावड़ा व मालदा पटना एक्सप्रेस की परिचालन के लिए अनुमति रेलवे विभाग ने दे दी है। गया हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन 2 फरवरी व मालदा पटना एक्सप्रेस का परिचालन 3 फरवरी से शुरू होगा। रेलवे ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। दोनों ट्रेनों से यात्रियों को सफर करने के लिए टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। ये दोनों ट्रेन झारखंड के साहिबगंज रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। झारखंड में कोरोना वायरस से एक और मौत हुई। अब मृतकों की संख्या हुई 1070। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटों में एक और व्यक्ति की मौत होने के बाद राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1070 हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार को जारी बुलेटिन के अनुसार संक्रमण के 45 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 118,602 हो गई। बुलेटिन के अनुसार झारखंड में अभी तक 116,904 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। 628 लोगों का कोविड-19 का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।